हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक कुमार है। आज के इस वीडियो में हम सॉफ्टवेयर डेवलपर एज ए कैरियर के बारे में डिस्कस करेंगे। सॉफ्टवेयर डेवलपर का जॉब बहुत ही हाई प्रोफाइल और हाई सैलरी पेड जॉब होता है, तो इसको यदि आप पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 10th और 12th से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको डिफरेंट कोर्सेज करने पड़ेंगे, तो हम इस वीडियो में पूरे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि आप कैसे अपने करियर को एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर प्रिपेयर कर सकते हैं। और एंड ऑफ द वीडियो हम जॉब एस्पेक्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि आपको जॉब मिलेगा कैसे। हम इस वीडियो को 5 पार्ट्स में डिवाइड करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये पूरे वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जॉब का जो है वो हम अंत में डिस्कस करेंगे। तो जो 5 पार्ट्स हम डिस्कस करने वाले हैं, इसमें सबसे पहला है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता क्या है। सेकंड, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आज की डेट में अवेलेबल हैं। थर्ड, हम डिस्कस करेंगे अपना कैरियर प्लान कब और कैसे करें। चौथे में हम डिस्कस करेंगे आपको कौन कौन से कोर्सेज करने पड़ेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। और पाँचवा और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, आपको जॉब कैसे मिलेगा। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट IT या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही एक पार्ट है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और भी कई डिवीज़न होते हैं, जैसे IT हार्डवेयर, IT इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो हमारा इस बार का टॉपिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का है, मगर बाकी टॉपिक्स के बारे में भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जिसको कि आप रेफ़र कर सकते हैं। अब हम शॉर्ट में बाकी की स्ट्रीम्स के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि होते क्या है ये। तो IT हार्डवेयर, बेसिकली आप इसमें मैनेज या रिपेयर करते हैं कंप्यूटर्स को, लैपटॉप्स को या फिर दूसरे IT हार्डवेयर आइटम्स और एसेट्स को। फिर IT इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, जिसमें आप सर्वर्स को मैनेज करते हैं, डेटा सेंटर मैनेज करते हैं जहाँ पे सर्वर्स रखे जाते हैं, नेटवर्क्स को मैनेज करते हैं या क्लाउड नेटवर्क को मैनेज करते हैं। उसके बाद आता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, इसमें आप डेटाबेसेस को मैनेज करते हैं। और डेटाबेसेस क्या होते हैं, जो एप्लीकेशन का डेटा स्टोर करते हैं। तो आपने नाम सुना होगा ओरेकल और SQL सर्वर का, तो ये कुछ एक डेटाबेसेस के एग्जांपल हैं। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बेसिकली इसमें आप एप्लीकेशंस को डेवलप करते हैं यूजिंग कंप्यूटर लैंग्वेजेस। कुछ एग्जांपल हो सकते हैं जैसे जावा हो गया, और भी कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं। और इसमें आप क्या डेवलप करते हैं, आप कई सारी एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं। कुछ एक एग्जांपल जो बहुत पॉपुलर है आज की डेट में, जैसे पेटीएम है, ओला है, अमेजन है। तो इसमें आपने देखा होगा कि एक वेबसाइट भी होती है और एक मोबाइल ऐप भी होती है, तो ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पार्ट होता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि आज की डेट में हर एक चीज़ डिजिटल हो रही है। खासतौर से कोरोना टाइम्स में आपने देखा होगा, सब लोग घर से काम कर रहे हैं, एप्लीकेशंस को यूज़ कर रहे हैं, ऐप्स को यूज़ कर रहे हैं मोबाइल की। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लाइक बैंक हो गया, शॉपिंग हो गया, डॉक्टर्स का भी कॉल, टीम मीटिंग्स आपके यदि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, बिल पेमेंट, सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है। और बहुत कम जरूरत पड़ती है फिजिकल काम करने के लिए। तो हर चीज़ के लिए एप्लीकेशंस बनती हैं, और इसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की ही जरूरत पड़ती है। तो आप सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा डिमांड है इसमें। और ये जो डिमांड है, ये बहुत हाई अपॉर्चुनिटीज हैं और आगे भी ये बढ़ती रहेंगी। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर का जॉब कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगा। सैलरीज सॉफ्टवेयर डेवलपर की काफ़ी हाई होती हैं, स्टार्टिंग से ही हाई होती हैं, और उसके बाद वो इंक्रीज करती रहती हैं। इसके बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल होते हैं। आप सोच सकते हैं कि हर एक चीज़ डिजिटल हो रही है, तो हर जगह सॉफ्टवेयर डेवलपर की ही ज़रूरत है, उसको डेवलप करने के लिए, उसे मैनेज करने के लिए, उसे अपग्रेड करने के लिए। तो आप देखेंगे कि बाकी के जॉब्स धीरे धीरे कम होंगे, मगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जॉब इंक्रीज होगा। और बाकी स्ट्रीम्स के भी मुकाबले यदि आप देखें, तो यदि आप एक नेटवर्क इंजीनियर की ज़रूरत है यदि कंपनी में, तो उसके साथ साथ 50 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की ज़रूरत होती है। आपको यदि सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, तो उसके लिए कैरियर प्लानिंग करनी पड़ेगी। और ये कैरियर प्लानिंग आपको 10th से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि आपको साइंस स्ट्रीम लेना पड़ेगा। और फिर 12th के बाद आपको करस्पॉन्डिंग कोर्सेज चूज करने पड़ेंगे, जिससे कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए रेडी हो सकें। तो आपको 12th के बाद आपको क्या करना है, आपको कई सारे कोर्सेज हैं जो आपको इस डायरेक्शन में ले जाएंगे। तो इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे BTech आप कंप्यूटर साइंस से कर सकते हैं, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं,
उसके बाद बीएससी आईटी होता है, बीसीए होता है जो कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बोलते हैं, उसके बाद आप एमसीए कर सकते हैं, मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसके अलावा भी आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं कंप्यूटर्स में। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके लिए जो कि इस डायरेक्शन में आपको ले जाएंगे। जब आप ये कोर्सेज कर रहे होंगे और कैरियर प्लानिंग कर रहे होंगे, तब आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी लैंग्वेजेस अवेलेबल होंगी। तो एग्जाम्पल्स आपने सुने होंगे, सी एक लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस एक लैंग्वेज है, ऐसे ही ASP.NET, सी हैश, जावा या पाइथन, ये बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। इनमें से आप किसी एक में मास्टरी कर सकते हैं, आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं और इसमें अपनी मास्टरी कर सकते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आप एक लैंग्वेज को अच्छे से सीख लेते हैं तो दूसरी लैंग्वेज में जाने में आपको आसानी होगी। इसमें आप फाइनली डेवलप क्या करेंगे, आप वेब एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, वेबसाइट डेवलप करेंगे या फिर कोई मोबाइल ऐप डेवलप करेंगे। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स रियल टाइम में आपने देखे होंगे, जैसे कि आप किसी बैंक की साइट देखते हैं, वो भी एक वेब एप्लीकेशन है। इसके अलावा ओला हो गया, उबर हो गया या फिर पेटीएम हो गया, जो आप मोबाइल ऐप पे यूज़ करते हैं, वो भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट के थ्रू ही बनी हुई है और किसी डेवलपर या टीम ऑफ डेवलपर्स ने डेवलप किया है उनको। अब हमारा सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट सेक्शन आता है जॉब के लिए। तो आपने कोर्सेज कर लिए, लैंग्वेजेस सीख ली, अब जॉब कैसे मिलेगा? तो आप किसी कॉलेज में यदि आप कोर्स कर रहे हैं तो कैंपस सिलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो हो सकता है कि आपका कैंपस सिलेक्शन में ही सिलेक्शन हो जाए और आपको कंपनीज हायर कर लें और सीधे आप जॉब में लग जाए। बाई चांस यदि आपका कैंपस सिलेक्शन में जॉब नहीं होता है तो आपके पास उसके बाद भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा, जैसे ही आप कॉलेज पास आउट होते हैं, आपको 6 मंथ्स का किसी रेपुटेटेड कंपनी में इंटर्नशिप लेनी पड़ेगी। जब भी आप कॉलेज में कोर्सेज करते हैं और रियल लाइफ में जो वर्क हो रहा है उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। 6 मंथ्स के इंटर्नशिप के बाद या उसके बीच में ही आप कंपनीज में अप्लाई करना चालू कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं आज के डेट में, ऑनलाइन अवेलेबल हैं। आप किसी जॉब साइट पे जाके आप अपने रिज्यूमे अपडेट कर दें, जैसे naukri.com है, monster.com या shine.com जैसी वेबसाइट्स हैं, इसमें आप रिज्यूमे अपडेट कर देते हैं। कुछ फ्रेशर्स के लिए स्पेशल साइट्स हैं जिसमें जाके आप अपना रिज्यूमे अपडेट कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें यदि आप करते हैं तो आप मान के चलिए कि आपका कैरियर बहुत अच्छे से स्टार्ट होगा और एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर आप फ्लरिश करेंगे। फ्रेंड्स, हमारा ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।